ट्रेनर ने भी पार्टिसिपेशन किया, एक्सप्लेन करने वाले श्याम सुंदर जी ने भी और हमारे साथियों ने भी एक्टिव क्वेश्चन। दो तीन बातें आज मुझे आप लोगों के सामने, एक मिनट सर अनम्यूट कर लीजिए सर। यस सर, नहीं हुए सर। सर ये वाली आईडी, दूसरी वाली आईडी सर, दूसरी वाली आईडी कर लीजिए सर। हाँ अब हो गया। ठीक ओके, है अभी सर। आवाज आ रही है ना? हाँ यस सर, यस सर। ओके, सहकारियों, आज आपने अच्छा एक्टिव पार्टिसिपेशन किया। ट्रेनर ने ट्रेनिंग के लिहाज से एक्टिवली आप लोगों के सामने सरलता से बातें रखी कि आपके जहन में घुसे, और आप लोगों ने भी अच्छे क्वेश्चन किए काफी कुछ। लेकिन कुछ बातें मुझे यहाँ पे क्लियर करने के लिए, बोलने के लिए आना पड़ा। यहाँ पर मैं चार्ट में बहुत सारे प्रश्नों को देख रहा था, समझ रहा था, और कुछ लोगों के द्वारा भी उस प्रकार की बातें आई। यह मैं आप लोगों को, क्योंकि हम सारी जवाबदारी सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट में, इसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट होते हैं, रिलीजियस एस्पेक्ट होते हैं, जो महात्मा ज्योतिराव फुले के भी रहे, उन्होंने भी चुनाव लड़ा था। साहू महाराज तो खुद पॉलिटिकल स्टेट के इंचार्ज थे। बाबा साहब ने चुनाव लड़े, एक चुनाव जीते और बाकी जगह हारे भी। कांशीराम जी ने भी चुनाव लड़ा, हारे और जीते, और पॉलिटिकल पावर का महत्व भी सामने। यहाँ हमारे सामने कास्ट से हमको जो विक्टिमाइज बनाया जाता है, तो हमारा अधिकांश रुझान मनुवाद को कोसने में जाता है कि इन्होंने हमें इतनी तक, ये यूरेशियन वाले हों या बाहर से आए हों, क्या है, हम अब अपनी एनर्जी इनकी आलोचना करने में नहीं, अपने समाज का रिकंस्ट्रक्शन करने में ज्यादा खर्च करते। एक सेंटेंस हमने बार बार आप लोगों के बीच में दोहराया है, दुश्मन का काम है दुश्मनी करना। वो दुश्मन क्या जो दुश्मनी ना करे, हमारे समाज को तोड़ रहा है, कमजोर बना रहा है, जात को मजबूत कर रहा है, उसका काम है, क्योंकि वो हजारों वर्षों से शासन में रहा है, सत्ता में रहा है, हमारा एक्सप्लाइटेशन करता है, वो अपनी नियत को कैसे छोड़ देगा? उसकी नीति नियत तो उसी से जुड़ी हुई है, और इसीलिए बाबा साहब ने इसे इंटेलेक्चुअल क्लास कहने से मना किया। तो हम एक तो हम मनुवाद की को समझने की कोशिश तो जरूर करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, पर उसकी आलोचना, उसको भला बुरा गाली गलौज करते बैठे, ये हम ज्यादा नहीं करते। दूसरा, जितने भी प्रश्न है, कास्ट, एजुकेशन फिलोसफी, थिंकिंग स्किल और कॉपरेशन, हम चार सब्जेक्ट आए हैं, इन सारे के सारे सब्जेक्ट पर हमारे सभी महापुरुषों ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रभाव डाला है, एक्सप्लेन किया है, समझाया है। हम पहले 108 साल का इतिहास बताकर ही, महात्मा फुले से लेकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, 1848 से लेकर 1956, 108 साल के इतिहास बताकर इन महापुरुषों की चर्चा किया था। ये लगभग 40 साल का ये चर्चा हो चुकी। इस बात को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए हम 5 सब्जेक्टों पर ज्यादा चर्चा करते हैं, ताकि आप बीमारी का इलाज करने वाले बन सकें, बीमारी का इलाज करने वाले बन सकें। आप कहोगे हमको ही ये करना चाहिए। अभी एक आरडी भारद्वाज जी ने कुछ ने एक नया सब्जेक्ट हमारे सामने रख के रख दिया, हम जानते थे उसको, यहाँ पे अभी जरूरत नहीं थी, और उनको इसका आग्रह कर दिया कि आपने इसके ऊपर लिखना चाहिए, सरकार को लिखना चाहिए। जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो लिख लिख कर थक गई हैं। ये गवर्नमेंट, मनुवादी गवर्नमेंट, इतनी रिजिड है कि किसी की सुनने वाली नहीं। इसको तो बदलने के लिए अपने समाज को जगाना, समाज को तैयार करना ज्यादा जरूरी है। समाज को दे, ओबीसी ने कितने बड़े पैमाने पर बोला कि भाई हमारी जनगणना होना चाहिए। मैं समझता हूँ एससी एसटी ओबीसी माइनोरिटी ने सबने मिलकर 85% लोगों ने आग्रह करना चाहिए, और हम आग्रह करते भी, हमने अपनी बात को लोगों से बोला भी कि इस देश में 90% लोगों का, 100% लोगों की जाति जनगणना होना चाहिए, केवल एससी एसटी की जाति के बारे में नहीं,
हर अकेलेतियां जितने भी धर्मों में बटा हुआ समाज है, क्षेत्रों में बटा हुआ समाज है, जातियों में, उपजातियों में और जनजातियों में बटा हुआ समाज है, भटकते विमुक्ते जातियों में, उनकी तो जनगणना नहीं होती है। सारे समाज की जनगणना होने का हमारा आग्रह है, होना चाहिए। लेकिन ये सरकार इस प्रकार से नीति बनाना चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग सफरर और विक्टिम रहे, ताकि ये लोगों की श्रेष्ठता वर्ण व्यवस्था के अनुसार इनकी श्रेष्ठता बनी रहे, बाकी लोगों की निम्नता हीनता बनी रहे, ये उनका काम है। और आज 1 अप्रैल से फिर से उन्होंने 1 अप्रैल तक, मार्च तक नहीं कर पाए, 1 अप्रैल से फिर सोच रहा है कि हम जनगणना कर लेंगे। कोरोना आ गया तो उसमें भी ये लोग रुक जाएंगे, हो सकता है कि इस साल जनगणना हो ही नहीं कर जा, ये तो जनगणना फैलाने का, कोरोना फैलाने का तरीका बन जाएगा। और लेकिन अगर ये लोग 100% जाति की जनगणना करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो एक समाज में जनगणना करने वाले में भी उत्साह पैदा होगा कि अब मेरी बिगड़ी बनने वाली है, मेरे को जनगणना करके देना चाहिए, क्योंकि इसमें मेरा भविष्य भी इन्वॉल्व, तो शायद ये जनगणना पूरी हो जाए। सरकार अगर इस बात को समझ सके तो उसके हित में भी होगा, नहीं तो बहुजन समाज के अंदर नाराजी और फैलेगी। पर नाराजी फैलने से बात नहीं बनेगी, समाज की व्यवस्था बीमारी को अच्छी तरह से समझ जाना और समझ कर फिर उसके खिलाफ रास्ता ढूंढ कर आगे बढ़ना, ये समाज की तैयारी होना चाहिए। हम समाज को उस लेवल पर तैयार करना चाहिए। जो लोग रिलीजियस फ्रंट पर काम कर रहे हैं, हमें हमारे उनके प्रति शुभकामना, क्योंकि एक तो काम पॉलिटिकल फ्रंट पर काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं, रिलीजियस फ्रंट पर काम करने वाले बहुत सारे हैं, हमें उसमें बाधा क्यों बढ़ना चाहिए, करना चाहिए। वो लोग कर भी रहे हैं, जनगणना का इशू हो या धर्मांतर का इशू हो या राज्य की सत्ता हासिल करने का इशू कर, लेकिन जो काम दूसरे नहीं कर रहे थे, जिनसे हो नहीं पा रहा था, करने में सामर्थ्यवान नहीं हो पा रहे थे, हमने बार बार बोला कि हमने 20 साल देखा है, 15 कांशीराम जी के बाद 15 साल से तो हम बहुत उघड़पने देखा है कि सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट कमजोर से कमजोर होता चला। इसको रोकना, इस कमजोरी को रोकना के लिए हम लोगों ने कमर कसी, क्योंकि ये कमजोरी दूर होगी तो और ज्यादा फ्रंट जितने भी हैं, कल्चरल फ्रंट, इकोनॉमिक फ्रंट, पॉलिटिकल और रिलीजियस फ्रंट, उसमें भी मजबूती आई। लेकिन ये फ्रंट ही कमजोर रहा, ये एक गैर राजनीतिक जने, गैर धार्मिक जने मजबूत करने का फ्रंट कमजोर रहा, तो कहीं भी बात बनने वाली नहीं, कहीं भी किसी प्रकार की बात में ताकत नहीं आ पाई। इसलिए जहां से ताकत बन सकती है, उस चीज की चाकोरी हमने ली। जो लोग राजनीति करना चाहते हैं, राजनीति करने में चाहे, जो धर्मांतर का आंदोलन करना चाहते हैं, वो धर्मांतर आंदोलन पर, लेकिन हमने चाकोरी रखा कि ये दोनों काम हमने दूसरों पे छोड़, हमसे अपेक्षा ना कर, हमें पहले जो प्राइमरी वो काम तो करने दीजिए। आपकी भावना होती इंडिविजुअली की वो, क्योंकि लोग अपने अपने तरीके से काम करते हैं तो अपनी रुझान में आदमी को जोड़ना चाहते हैं, पर हमने प्रॉब्लम को नेशनल लेवल पर डायग्नोज किया और डायग्नोज करके ही हम आप लोगों के सामने आए और आप लोगों को तैयार कर रहे हैं कि आप लोग भी इस प्रक्रिया को भाग बनिए। ये प्रोसेस है, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट का ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को मजबूत बनाएं। हमारा उद्देश्य है कि वी वांट टू मेन स्ट्रीम ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोग्राम ऑफ दिस सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट। वी वांट टू मेन स्ट्रीम ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोग्राम ऑफ दिस सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट। ये लक्ष्य महानायक कांशीराम जी की हयात में, उनकी देख रेख में ही डिसाइड हुआ था, इसलिए हम उद्देश्य से विचलित नहीं होना चाहिए। हम इसी में अगर अपनी लायकी दिखा सके तो हम अपने आप को धन्य समझेंगे। इसलिए लायकी में अगर आप सब लोग शामिल होंगे तो ये जल्दी हासिल हो सकता। हमने 5 साल का टारगेट इसलिए, जो लोग डिफरेंट फ्रंट पे काम कर रहे हैं वो करें। इसलिए समाज जागृत होगा तो सरकार पर प्रेशर नेचुरल वे में बनेगा, समाज जागृत नहीं होगा, हम प्रेस मीडिया के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से हम करना चाहेंगे तो नहीं। अभी एजुकेशन पॉलिसी पर बात आई थी, अभी हेल्थ पॉलिसी भी आएगी, लेबर पॉलिसी पर भी आएगी, जो डिफरेंट पॉलिसी पर हम उस पर विचार कर रहे हैं। हमें हमारे सामने एजुकेशन पॉलिसी आई और एजुकेशन मिनिस्टर ने 25 जनवरी तक सजेशन मांगे, हमने 25 तारीख को
पे बैक टू सोसाइटी के माध्यम से अपने सुझाव दिए। हम जानते थे कि सुझाव मानेंगे नहीं, क्योंकि हमारे सुझाव अम्बेडकराइट एजुकेशनल फिलोसफी, अम्बेडकरवाद के शैक्षणिक दर्शन की जड़न घड़न के आधार पर हमारे सुझाव, जो मनुवाद की फिलोसफी के आधार पर वो सुझाव नहीं होंगे, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसलिए हमें अपने समाज को अम्बेडकरवाद का शैक्षणिक दर्शन समझा लेना, ताकि वो एजुकेशनल फिलोसफी वर्तमान सरकार की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को परख सकें और अपना विचार तैयार कर सकें कि ये पॉलिसी हमारे को लाभ पहुंचाने वाली नहीं है, हमको गुलाम बनाने वाली। ये बात उनके ध्यान में हम इस 5 सब्जेक्टों के माध्यम से इनकल्केट करना चाहिए। बहुत अलग तरीके से हमने बेहतरीन मैकेनिज्म डेवलप किया। ये एक शब्द नहीं, एक सेंटेंस नहीं है, एक इशू नहीं है। जिस तरह से मनुवाद बहुत जटिल और कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, जिसकी जड़ घड़ों ने कास्ट के रूप में एक बहुत बड़ा इस प्रकार का शैतान खड़ा कर दिया, इसका मैकेनिज्म इतना जटिल कि सहजा सहजे आदमी के समझने से परे है, सहजा सहजे आदमी के समझने से परे है। हमने इसे सरलीकरण करने के लिए हमने कास्ट को समझ कर समझाने की प्रक्रिया, फिलोसफिकल दर्शन नहीं समझाया जाता था, हमने वो दर्शन, जो बातें पहले 40 साल में खासतौर से कांशीराम जी का मूवमेंट, जैसे बर्थ ऑफ बम से 78 से शुरू होती है, तो करीब 42-43 साल हो जाते हैं। इस पीरियड में बहुत कुछ उतार चढ़ाव हुआ, और हमने उस पीरियड के मूवमेंट को ध्यान में रख के ही आगे का डिजाइन ए वे फॉरवर्ड, रास्ता अतिक्रमण कैसे होगा, कैसे हम रास्ते से आगे बढ़ेंगे, इसकी योजना बनाए, और उस पर हम आप सब लोगों को ट्रेन कर लेना चाहिए। हम चाहते हैं कि पे बैक टू सोसाइटी में काम करने के लिए ये जरूरी है कि आप लोग इन 5 सब्जेक्ट पर मास्टर बने। 5 सब्जेक्ट पर आप जितने जल्दी मास्टर बनेंगे, आप इसके फल की अपेक्षा उतनी ही तीव्रता से कर लेंगे। आप मास्टर नहीं बन के और अपेक्षा करते रहोगे कि ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, आप अपना समय भी कर रहा होगे, और यहाँ पर मूवमेंट में अर्थले निर्माण 5 सब्जेक्ट पर जोर दीजिए, क्योंकि 5 सब्जेक्ट में हमने सारे प्रश्नों के उत्तर रखे हैं। जो अपेक्षाएं आप लोग यहाँ पर व्यक्त कर रहे हो, वो सारी बातें हमने उसके अंदर रखी, कुछ भी चीज अलग नहीं है, हमने सभी की भावनाओं को सभी के विचारों को इंक्लूड किया है। बहुत मुश्किल से शब्दों का ये रिसर्च सामने आ पाई, 21वीं शताब्दी में ये रिसर्च आई है। ये सहजा सहजी बात नहीं है, भावना प्रदान होकर हम बातें नहीं करते हैं। कास्ट और कॉपरेशन एक दूसरे के विलोम शब्द हैं, क्या ये नया रिसर्च नहीं है? कास्ट इज ए डेंजरस वायरस, ये वायरस के रूप में देखना ये रिसर्च नहीं है? कॉपरेशन इज एंटी वायरस, थिंकिंग स्किल इज एंटी वायरस, क्या ये रिसर्च नहीं है? ये पहले नहीं थी ना, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट में भी नहीं थी ना। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी हमें करना है, ये कहां किसी ने स्वप्न दिया? हमको प्रुद्ध भारत बनाना है, हमारे को एक्सप्लेन कैसे करोगे? सम्राट अशोक को हम 70 साल से जो चर्चा नहीं कर रहे, उसके चिन्ह को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया, चतुरंगी 4 रंगों वाला झंडा बीच में चक्र, आप तिरंगा बोलते हो, हम चौरंगा बोलते हैं, आप बोल के देखिएगा, एक नीला कलर भी तो है उसके अंदर, 3 रंग के तो बारे में आप जानते हो, चौथा रंग नीला भी है ना उसके अंदर, व्हाइट पर नीला भी है, तो ये 4 रंग नहीं हुए, 3 रंग कैसे बोलेंगे हम? चौरंगा बोलना होगा, चक्र वाला चौरंगा झंडा, ये हमें कहना होगा। ये क्या नई रिसर्च, नया दृष्टिकोण देखने का नहीं है? ये बातें छूट गई थी जो मूवमेंट में आना चाहिए थी, हम इनको लेकर आए, ये अभ्यासपूर्ण आया, और रिसर्च विंग में ये सारी चीजें परखी गई हैं। ये भावना प्रदान नहीं होके, ये हमने चिंतन मनन करने के बाद सभी इन आउट्स को एक्टिव पैसिव, नेगेटिव पॉजिटिव सभी एस्पेक्टों को ध्यान में रख के हम विचारधारा को बहुजन समाज के सामने लेकर आए, और उसको इस पर तैयार होने का आग्रह कर। और ये तैयारी का काम केवल इंटेलेक्चुअल क्लास के माध्यम से होता है, इसलिए हम ट्रेनर डेवलप किए, हमने कैडर की बात नहीं की यहाँ पर। दूसरे लोग कैडर और पैसा उगाने की बात करते हैं, हमने, आपने देखा होगा हमारे अलग अलग विंग है, ऑपरेशन है, हमने कहीं भी पैसे की बात नहीं की है। हमारी नेशनल एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स हैं,
हम केवल उनसे ही पैसा लेते हैं, नेशनल एग्जीक्यूटिव के मेंबर हैं हम उनसे ही, क्योंकि हमें ज्यादा पैसे की जरूरत जब पड़ेगी तब मांगेंगे। हमारे पास ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है तो हम पैसे को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पैसा इकट्ठा होगा तो बीमारी होगी और शंका कुशंका पैदा होगी। जितनी जरूरत है उतना पैदा करो और खर्च करो, और वो भी खर्च लोगों ने समझना चाहिए कि सही है, मद में सही तरीके से खर्च हो रहा है, उसका हिसाब भी जानना चाहिए। साथियों, ये सारी बातें आप लोगों के सामने मुझे आज करना, हम फिर आप दोहराना चाहेंगे कि आज के जितने भी पांचों सब्जेक्ट हैं इन महापुरुषों की देन है, इन महापुरुषों के बिना ये सब्जेक्ट अधूरे हैं, लेकिन समय की लिमिटेशन होती है। हम इन महापुरुषों को सबसे पहले बंधन कर चुके हैं कि भाई इनकी प्रेरणा से ही सब आए और इनकी विचारों को लेकर ही, अगर बहुजन समाज बढ़ नहीं आया होता तो सहकार का विचार नहीं आया होता ना, कॉपरेशन आया ही बहुजन समाज का, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय से ही कॉपरेशन के विचार डेवलप हुआ। तो ये इन महापुरुषों की, जिन महापुरुषों को हम अपना प्रेरणा स्रोत मान चुके हैं, इनकी विचारधारा से ही इस विचारधारा का विकास हुआ है, कोई अलग विचारधारा नहीं है, उन्हीं का ये डायनेमिज्म है, डायनेमिज्म ऑफ अम्बेडकरिज्म है, इसका वापर किया। क्योंकि कांशीराम जी ने जब 25 जुलाई 1998 को पहला अधिवेशन में हमें गाइड किया तो दो बातों का उत्तर मुझे महाराष्ट्र के साथियों से नहीं मिला, ये उन्होंने बहुत डांटते हुए कहा। पहला, डायनेमिज्म ऑफ द अम्बेडकरिज्म, बाबा साहब ने एक अमुक जगह ऐसा कहा, आप उसी को दोहराते रहते हो, बाबा साहब ने ऐसा क्यों कहा, वो जो सेंटेंस लिखा उस लिखने से पीछे उनका माइंडसेट क्या था, आपने उन्हें नहीं देखना चाहिए, उस माइंडसेट को रीड नहीं करना चाहिए। क्या बाबा साहब उस मूवमेंट को जी नहीं रहे थे, कांशीराम जी उस मूवमेंट को जी नहीं रहे थे, उस जीने के तरीकों को नहीं समझना चाहिए। हमने वो तरीके को समझने की कोशिश की, वो आंख से हमने देखने की कोशिश की, और वो आंख हम आप में भी डेवलप करते हैं। वाइड एंगल कैमरा से देखिए, लॉन्ग दूरी के अभी एक जगह गड्ढा खोदने को और उसको और गहरा करने से दूसरी जगह गड्ढा नहीं बनता, हमें थोड़ा सा अलग हटकर सोचना। अभी एक शब्द के बारे में मैं अपनी को एक्सप्लेन करके मैं अपनी बात रखूंगा, जो आप सब लोगों के बीच में रहे और हिमंत नारसिंह जी भी बोल गए कि ये सब्जेक्ट शब्द अभी नया नया आया है, वो है एम्पैथी। साथियों, आने वाले समय में थिंकिंग स्किल को हम और ज्यादा व्यापक दृष्टिकोण से लेने जाएंगे, हो सकता है कि इसके क्लासेस भी अलग स्पेशल कंडक्ट, और हम केवल थिंकिंग स्किल के ऊपर ही 5-5 दिन के फिजिकल कैडर कैंप भी लगाना चाहेंगे। सर, आपकी वॉइस सस्टेन हो रही है, आवाज नहीं आ रही सर।
हाँ सहकारी ओम, इंटरनेट की प्रॉब्लम से आवाज आ रही है? हाँ यस सर, आ रही है। यस सर, यस सर, आ रही है। हाँ, मैं एक लास्ट सब्जेक्ट को आप लोगों के बीच में अनुत्तर अनएक्सप्लेन नहीं छोड़ना चाहता हूँ। अनएक्सप्लेन सभी लोग आ गए क्या? ओके, अभी मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? यस सर, यू आर ऑडिबल। ओके, मैं इसलिए और आया कि एक मैं प्रश्नों को अनुत्तर नहीं छोड़ना चाहता हूं और अनएक्सप्लेन भी नहीं छोड़ना चाहता हूं। इसमें एम्पैथी शब्द नारसिंह ने बोला था और अधिकांश लोगों को ये एम्पैथी शब्द बहुत नया होगा, जैसे इमिटेशंस और इम्यूलेशन, ये दो वर्ड है। तो इमिटेशंस को तो हमें जल्दी समझ में आता है अनुकरण करना, पर इम्यूलेशन हमें नहीं समझ में आता है क्योंकि वो इमिटेशन से भी ज्यादा सोच विचार करके अनुकरण करना। अनुकरण तो पर लेकिन वो हित में है या अहित में है उसको ध्यान में रख के अनुकरण करना होता है। इसलिए इम्यूलेशन शब्द आया था, हमने पिछली बार ट्रेनिंग में इस शब्द को यूज किया है। आज मैं एम्पैथी शब्द के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। देखिए, अभी आप लोगों के सामने थिंकिंग स्किल का हमने एक प्राइमरी डेफिनेशन एक्सप्लेन की कि थिंकिंग इज ए स्किल, थिंकिंग इज ए ऑपरेशन स्किल थ्रू विच इंटेलिजेंस एक्ट अपॉन एक्सपीरियंस फॉर ए पर्पस। ये सारी डेफिनेशन आप लोगों को बार बार रिपीट करने के लिए बोलिए। प्राइमरी जो ये सोचिए कि आठवीं कक्षा का लेवल का हम आपको समझा रहे थे, थिंकिंग स्किल आठवीं कक्षा लेवल की ये बातें समझा रहे थे और उसमें आपको हमने 7 टूल्स दिए। लेकिन इसके आगे थिंकिंग स्किल इतना ज्यादा है कि इससे पूरा हमारा भविष्य डिपेंड करता है, क्योंकि अनथिंकिंगनेस ही तो हमारी प्रॉब्लम है। कास्ट के एनक्लोजनेस में अनथिंकिंगनेस बहुत गहराई से बैठी हुई है। अगर अनथिंकिंगनेस जाएगी और हम थिंकिंग पीपुल बनेंगे, थिंकिंग पीपुल होने की सबसे पहली बार शर्त होती है ओपन माइंडेडनेस, फ्रीडम। फ्री आदमी होगा, इंडिपेंडेंट होगा, फ्री होगा, तभी वो सोच विचार करने वाला बन सके। तो ये सोच विचार करने वाला एलिमेंट हमने आपके सामने बहुत प्राइमरी, क्योंकि ये बहुत कठिन सब्जेक्ट था इसलिए हम केवल आपके पास प्राइमरी तौर से ही थिंकिंग स्किल का लाए, जो वो भी हमारे ट्रेनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और एक नया सब्जेक्ट लग रहा था। हमने कहा कि इनको केवल इतना ही डाइजेस्ट हो सकता है, उतना ही डाइजेस्ट कराना चाहिए। अब इसके आगे बहुत सारे थिंकिंग स्किल में पैरेलल थिंकिंग, ट्रेडिशनल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, लेटरल थिंकिंग ये डेवलप हुए हैं। पर लेकिन इसमें सबसे ज्यादा ये आज से 2010 तक का ये विषय था जिसमें पैरेलल थिंकिंग और लेटरल थिंकिंग डेवलप। 2010 के बाद खासतौर से 2008 में वो एक कंपनी का सिस्टम पूरा डिस्टर्ब हुआ, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी डिस्टर्ब हुई थी, एनरॉन बोलते ना, एनरॉन। तो उसके बाद सोच विचार करने की प्रक्रिया पूरे वर्ल्ड में एक नए ढंग से पैदा हुई और उसके बाद जो नया सोच विचार करने का सिस्टम आया वो था डिजाइन थिंकिंग। डिजाइन थिंकिंग क्योंकि कैपिटलिस्ट क्लास अपना प्रोडक्ट को मार्केट में उतारने के लिए उसकी प्राइस डिमांड के लिहाज से करती थी, तो उस तरह से दूसरा ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए घटिया माल को बेहतरीन तरीके से बेटर एडवर्टाइजमेंट ब्रांडिंग करके उसको बहुत अच्छी तरीके से बेचने का तरीका था। मतलब मेर सारा कुछ कंस्ट्रक्शन उनका मार्केट का, बिजनेस मार्केट का जो दारोमदार था वो आर्टिकल के ऊपर था, जो प्रोडक्ट था उसके ऊपर था। प्रोडक्ट अच्छा है, प्रोडक्ट की डिमांड और सप्लाई क्या है, इस तरीके से। ये चीज 21वीं शताब्दी में फेल होती जा रही थी पूंजीपतियों की ये चीज काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि समाज में भी जनता में भी अवेकनिंग पैदा हो रही थी, वो भी मार्केट में अपनी चीज को परखना, भाई आप इतना प्रचार कर रहे हो जरूर नहीं इसमें धोखा होगा, हमें नहीं खरीदना। आदमी शंकाग्रस्त होने लगा था और
और खासतौर से बहुजन समाज में जो लिटरेट वर्ड पैदा हुआ, एजुकेटेड वर्ड पैदा हुआ, इंटेलेक्चुअल पैदा हुआ, ठीक है, मैं लिटरेट, एजुकेट, इंटेलेक्चुअल, मैं कल्चर्ड वर्ड, एक और है वो है, आपने सुना होगा, वो हमारे साथी ने वो भी यूज किया है। तो ये चीज आने के वजह से पूंजीपति की मनमानी, और खास तौर से इंटरनेट से और कम्युनिकेशन के टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट होने से, इंटरनेट और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के डेवलप होने से उनके सीक्रेट मूर्ख बनाओ कार्यक्रम काम नहीं कर रहे थे। तब थिंकिंग स्किल में एक नया चैप्टर खुला, वो है डिजाइन थिंकिंग। मेरे पास डिजाइन थिंकिंग के ऊपर कम से कम 10 पुस्तकें आज यहाँ पर उपलब्ध हैं इंटरनेशनल मार्केट की, जो 4-5 हजार रुपए उसकी कीमत है, 4-5 हजार उसकी कीमत है, क्योंकि हमारे लोग अनटची है ना, और हमारे लोग कुछ ढूंढने की कोशिश नहीं करते कि इस समय वर्ल्ड में एक सोच विचार करने वाला मानुष बनाना चाहेंगे तो भारत का सोच विचार करने वाला व्यक्ति इंटरनेशनल लेवल पर कहां टिक पाएगा। वर्ल्ड में हमारा 3.16 टैलेंट का कंट्रीब्यूशन है, 17.5% लोगों का 3.16% कंट्रीब्यूशन है, इस बात को ध्यान में रखे हमारा कंट्रीब्यूशन तो बहुत कम है, केवल हम ब्राह्मणों या 15% के ऊपर डिपेंड होकर नहीं रह सकते। अगर हम बाकी में खरे देशभक्त हैं, हम इस देश के साथ हमारी इंटीग्रिटी जुड़ी हुई है, तो हमें इस देश के विकास के लिए हमारा इंटरनेशनल लेवल पर भी हमारा कंट्रीब्यूशन बढ़ना चाहिए, यानी हमें शिक्षा के क्षेत्र में ऊंचाइयों को गाटना हमारा कर्तव्य बनना चाहिए। दुश्मन का काम है दुश्मन ही करें, वो नहीं बढ़ने देगा, हमें किसी भी तरीके से जो भी समर्थ हो गए हैं उन्होंने समर्थ करके कंपटीशन के लिए तैयार रहना चाहिए। इधर वो दुश्मन से कंपटीशन करेगा पर बहुजन समाज में कोऑपरेशन का तत्व अपनाएगा, डबल है, बहुजन समाज में आएगा तो कोऑपरेशन का तत्व अपनाएगा, दुश्मन से टकराएगा तो वहां कंपटीशन का तत्व अपनाएगा। इसके लिहाज से डिजाइन थिंकिंग का कॉन्सेप्ट आया। डिजाइन थिंकिंग का मैं केवल एक चीज पॉइंट बताऊंगा जिससे एम्पैथी शब्द आ रहा है, क्योंकि उसमें बहुत सारे मटेरियल हैं, इतना बहुत बड़ा गहन है, उसके इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारे ट्रेनिंग क्लासेस भी हैं, आप लोग ट्रेनिंग क्लास भी अटेंड कर सकते हो, जिनको जरूरत है वो ट्रेनिंग भी ले सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पर। हम कैडर को अपने तरीके से धीरे धीरे ट्रेन करेंगे, उसकी ज़रूरत को और उसकी कैपेबिलिटी को ध्यान में रख के हम ट्रेन करेंगे। तो आज जो डिजाइन थिंकिंग का काम हुआ है उसमें नया वर्ड है कि एम्पैथी इज द बैकबोन ऑफ द डिजाइन थिंकिंग। एम्पैथी, EMPATHY, एम्पैथी। अभी मेरे सामने यहाँ पर कुछ किताबें रखी हैं, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। देखिए किताब आपके सामने, एम्पैथी वर्ड समझ में आ रहा है ना, दी एम्पैथी इफेक्ट। एम्पैथी इंप्लाइड, इंप्लाइड एम्पैथी इंप्लाइड, एम्पैथी को कैसे लागू करना है। हम आप लोगों के सामने भावना प्रधान आके कि मेरे को ज्यादा कुछ मालूम है इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, नहीं, हम उस विचार को कॉन्सेप्ट को अंबेडकरवाद की कसौटी पे कसने के बाद ही, हम उसको सोशो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से देखने के बाद ही सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट में इंट्रोड्यूस किया। अभी एक और पुस्तक आपको देखो, हम पक्ष में विपक्ष में भी नहीं, ये पुस्तक का हमने देखोगे तो आप कहोगे कि ये क्या बोल रहा है, अगेंस्ट एम्पैथी। देखिए पुस्तक का नाम क्या है, अंगेस्ट एम्पैथी। ये प्रक्रिया भी यहीं पर शुरू हो गई, मतलब एम्पैथी के पक्ष में भी और एम्पैथी के विरोध में। तो ये एम्पैथी है क्या, अब मैंने केवल शब्द पर आपका अटेंशन दिया है तो आपको एम्पैथी को समझाना मेरा कर्तव्य। एम्पैथी का समझाना,
इसमें पूंजीपति अपने कस्टमर को समझना चाहता है एम्पैथी के माध्यम से, वो उसके माइंड में घुसना चाहता है और घुसकर उसकी नीड क्या है, प्रोडक्ट कैसा है क्या है, उस आधार पर नहीं, वो दुखी है, खुश है, बच्चों के लिए परेशान है, माँ बाप के लिए परेशान है, क्या क्या परेशानी है, उसके उत्साह क्या है, निराशाएं क्या है, इस सारी चीजों को जानकर वो अपने प्रोडक्ट का ब्रांड डिसाइड करता है। ये 21वीं शताब्दी में बिजनेस का, मार्केटिंग का एक नया फंड। देखिए मैंने आपको कितना सरल ढंग से समझाने की कोशिश की। इसके लिए उन्होंने अंडरस्टैंड द यूजर्स, ये वर्ड यूज, अंडरस्टैंड द यूजर्स यानी कस्टमर हुआ, यूजर मींस कस्टमर। अभी ये तो पूंजीपति की भाषा हो गई, और ये काम मनुवाद हजारों वर्षों से हमारे माइंड को पढ़कर अपना विश्वास हमारे बीच में फाइनेंस करता है। डिफरेंट प्रकार के पाखंड, अंधविश्वास, रीतियां, कुरीतियां वो हमारे माइंड में करता है। हमने बाहर से देखकर उसकी समस्या का समाधान करना था, ये हमें संभव नहीं लगा। हमें तो उसके माइंड में घुसना पड़े। एम्पैथी कहते हैं जिसे, सिंपैथी सह अनुभूति। थोड़ा सा दुख हो गया, कोई किसी का पिताजी मर गए, मदर मर गए, तो हम उसको सहानुभूति व्यक्त करने के लिए जाते हैं। कोई किसी प्रकार का तकलीफ हो जाती है, चलो हम सहानुभूति व्यक्त करने के लिए आए। ये मोटे थोड़ा सा दुख उसके साथ, पूरा का पूरा दुखी नहीं होना उसके साथ, थोड़ा सा दुख जताने के लिए भाई सहानुभूति व्यक्त करने आए, सिंपैथी व्यक्त करने के लिए। एम्पैथी उस व्यक्ति के साथ टोटल माइंड सेट जुड़कर, वो दुखी क्यों है, आज उसके घर में खाना क्यों नहीं बना है, उसे आज वो मार्केट में गया था उसे काम मिला क्या नहीं मिला, इससे परेशान है, बीबी से लड़ रहा है इस वजह से कि उसको आज काम नहीं मिला, तो बीबी की मारपीट कर रहा है, घर में बीबी भूखी वो भी भूखे क्या करेगा। उसके माइंड सेट के दृष्टिकोण से देखना है कि उसकी जरूरत क्या है। हम उन जरूरतों को ध्यान में रख के ही लेबर का रजिस्ट्रेशन करने का जो दायित्व लिया है वो एम्पैथी को ध्यान में रख कि हमें उसकी तकलीफ को जानना, उसके दुख दर्द को जानना है, उस दर्द के साथ समरस होना है, उस दर्द के साथ सम अनुभूति होना है, सहानुभूति नहीं होना है, सम अनुभूति, सम अनुभूति मतलब वो दुखी है तो वो उसका दुख को महसूस करना है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, बच्चे की फीस नहीं भर पा रहा है क्या है, कैसे क्या हो सकता है, हम उसमें क्या क्या कर सकते हैं, क्या सहकार कर सकते हैं, किस प्रकार से हम उसको स्टैंड कर सकते हैं, समझा सकते हैं। यही काम है कि समझाने वाले को समझना होगा, समझ कर समझाना। यहाँ पर जिसे हम, जिसका हम बहुजन समाज का के भलाई के लिए हम काम करना चाहते हैं, उसके कल्याण के लिए काम करना चाहते हैं, उसकी तकलीफों को बिना समझे हम उसका कल्याण, उसकी तकलीफों को दूर नहीं कर सकते। इसके लिए हमें एम्पैथ बनना, एम्पैथेटिक बनना, और एम्पैथी को समझ। और ये कॉपरेशन की बैकबोन है जो वर्ड नरसिंह जी ने यूज किया है। अब आपको इस तरह से बहुत शॉर्ट में बता गए, उन्होंने समझ तो लिया था, एक्सप्लेन करना उनके बस की बात नहीं हो रही थी, मैं इस चीज को समझ रहा था, इसलिए मुझे आज आप लोगों के सामने ये एम्पैथी को एक्सप्लेन करना। साथियों, कॉपरेशन सरल नहीं आया है, कॉपरेशन के लिए हमने काफी तकलीफ उठाने के बाद हमें भी समझ में नहीं आ रहा था। बाबा साहब स्टेट ऑफ मॉरिटीज में तो कॉपरेटिव फार्मिंग, कलेक्टिव फार्मिंग की बात कर गए, और भी जगह, कई जगह कास्ट इंडिया एनिलेशन ऑफ कास्ट में, और न जाने कहां कितनी किताबों में वर्ल्ड कॉपरेशन बहुत बार यूज किया है। बर्टन रसेल के क्रिटिक्स लिखते समय उन्होंने कॉपरेशन शब्द को महत्व दिया है। बर्टन रसेल को आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, बर्टन रसेल का है कि बर्टन रसेल की जिस किताब का बाबा साहब ने एनालिसिस किया है उसकी रिव्यू लिखा है। बाबा साहब किस तरह से पुस्तक का रिव्यू नहीं लिखते, बाबा साहब ने सोच विचार करके अपने समाज को हाईलाइट करने के लिए ऐसे उस पुस्तक का रिव्यू लिखा। जब हमने उस पुस्तक को पढ़ा तब हमको मालूम पड़ा कि बाबा साहब तो अपने समाज को कॉपरेशन नाम का सिद्धांत समझाना चाहते थे, उनके पास समय नहीं रहा, और इसीलिए वो नाराज हुआ करते थे पढ़े लिखे कि मैं अकेले समझ रहा हूं, ये आप लोग क्यों नहीं समझ रहे, आपने समझ कर समझाने वाला बनना चाहिए। साथियों,
इस तरह से मैंने आप लोगों के सामने सम अनुभूति महसूस करना एम्पैथी कहलाता है। मैं समझता हूं ये चीज हमारे मूवमेंट के लिए बहुत उपयोगी होगा। हम अपनी चाकोरी में रहकर काम करना चाहते हैं, हम बहुत बड़े के हम इस देश के हम हुक्मरान बनना चाहते हो, हम इस देश में बौद्ध धर्म को लागू कर देंगे, हम इन बातों को अपने से दूर रखा, नकारा नहीं है, थोड़ा डिस्टेंस रखा है। जो इस पर काम कर रहे हैं उनको हम काम करना देना चाहते हैं। दूसरा, हम मनुवाद को गाली गलौज करने वाली बात नहीं करते हैं। बहुत ज्यादा लोग गाली गलौज करते रहते हैं, हमने उस चीज को तत्पाला है कि दुश्मन का काम है दुश्मनी करना, और उसको हमें ज्यादा समझना है। जो गाली गलौज कर रहे हैं उनसे कहीं ज्यादा हमें दुश्मन को समझना है, उसकी रणनीति को समझना है, उसकी नीयत को समझना है, उसको स्ट्रेटेजी को समझना है, उसकी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग को समझना है, उसकी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग को समझना है, उसके प्लान प्रोग्राम को समझना है, उसकी नीतियों को समझना है। जो आयोग बनाया उसने नीति आयोग, हमें उसकी नीति और नियत दोनों को समझना है। तो अगर हम गाली गलौज में समय जा ले जाएंगे उसको कि ये विदेशी थे, ये थे, वो थे, हम इसमें ही करते रहेंगे इन्होंने ऐसा किया, तो हम अपने समाज को समझाने में हमारे को पास समय कम पड़ जाएगा। दूसरा जो एक मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, हम किसी भी महापुरुष को इग्नोर नहीं करना चाहते। हम तो 100 से ज्यादा महापुरुषों की बात करते हैं, और लेकिन हम फंडामेंटल 21वीं शताब्दी में जिसके आधार पर हम अम्बेडकर बात को समझा सकें उसके लिहाज से हमने कुछ लोगों को ही महापुरुषों को चुना है, जिसमें एक सम्राट अशोक, रामास्वामी नायका, नारायण गुरु जी, महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, साहू महाराज, बोधिसत्व डॉक्टर अम्बेडकर और महानायक कांशीराम। इनसे एक विचारधारा का निर्माण होता है स्पष्ट तौर से, इनसे हम उदाहरण एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो इनके बिना हम पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम के पांचों सब्जेक्ट ढूंढ पाना हमारे लिए असंभव था, ये समझ पाना हमारे लिए असंभव था। इसलिए हमने प्रूव इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, संशोधन करना, रिसर्च करते रहना, डिस्कवरी इन्वेंशन करते रहना, ये हमारे स्वभाव में कंटिन्यूस प्रक्रिया रहना चाहिए, कंटिन्यूस प्रोसेस रहना चाहिए। प्रूविंग मस्ट बी ए कंटिन्यूस प्रोसेस। हमने आप लोगों की जानकारी के लिए हमारा रिसर्च विंग भी है, कॉपरेशन विंग भी है, हमारे अलग अलग विंग में 10 के लगभग आप ये सब्जेक्ट पर मास्टर हो जाएंगे तो आप लोगों को अलग अलग विंग में काम करने का मौका मिलेगा। अगर आप सब्जेक्ट पर अगर आप लोग मास्टर नहीं हुए तो फिर आप हमारी विंग में पूर्व आग्रह से ग्रसित होकर काम करने में असमर्थ रहोगे, बल्कि कन्फ्यूजन फैलाने में काम करोगे। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि अभी बहुत महत्वपूर्ण 5 दिन का सब्जेक्ट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी, इसमें हमारे पांचों के पांचों सब्जेक्ट रिव्यू होने वाले हैं। इंडिपेंडेंट नहीं, ये पांचों सब्जेक्टों का सार है। इस सार को हमारा एक प्रोफेसर एक्सप्लेन करने जा रहा है, आप उसको गहराई से सुनोगे। मैं यहीं पर अपने आप को विराम देता हूं, ओवर टू इस समय गुरु दर्शन सिंह जी। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि 5 मिनट में आज का लेक्चर का आप समाप्त करें, और वोट ऑफ थैंक विल बी डिलीवर बाय द प्रियंका रखैया हर्षल। गुरु दर्शन सिंह जी, सम ऑफ द टुडेज डिस्कशन। यस सर, गुरुदर्शन सिंह सर, आप अनम्यूट कीजिए आपको। हाँ यस प्लीज सर। जय भीम सर। जय भीम। सभी सहकारी साथियों को हार्दिक जय भीम। तो आज का जो हमारा विषय था, तो जो अब तक के 4 सब्जेक्टों पे जो ट्रेनिंग दी गई है, एक तरह से उसका रिव्यू ही था। और इसमें हमने सबने यही समझा है कि भाई सबसे बड़ा जो हमारा वायरस कास्टिज्म है, जिसने हमें डिवाइड करके रखा हुआ है, और इन्फेरिटी एंड सुपीरियरिटी फैलाई हुई है, सबसे पहले तो हमें मतलब इस वायरस में से निकलना है। और इस वायरस को खत्म करने के लिए जैसे हम टेक्नोलॉजी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इंटरनेट में एंटीवायरस इंस्टॉल कर लेते हैं अपने गैजेट में, मोबाइल में या कंप्यूटर में, कि भी कोई वायरस अटैक ना कर पाए, तो इस कास्टिज्म का एंटीवायरस है हमारा थिंकिंग स्किल्स और नॉलेज, और सबसे बड़ा एंटीवायरस हमारे उन महापुरुषों के विचारधारा के, जिन्होंने कहा है मानस की जात एक के पहचान वो।
और बहुजन समाज सिर्जने का मिशन चलाया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने और महात्मा ज्योतिबा फूले जी ने, और जो बाबा साहब को एक हीरा बनाने में सहयोग करने वाले शाहू जी छत्रपति महाराज और सिया जी गायकवाड़ साहब, इन सबका एक मिला जुला मिशन था, सबका एक सपना था। और बाबा साहब के बाद जो संघर्ष किया साहब कांशीराम जी ने, बहुजन समाज बनाने का नींव डाली, और उनकी भी आज के इस आज के मंथन में चर्चा आई कि कुआलालंपुर में साहब कांशीराम जी ने ये बोला था कि जो कास्ट सिस्टम है, दो धारी तलवार है, दोनों तरफ काटती है, मनुजम ने इस हथियार को इस्तेमाल करते हुए अपने आप को सुरक्षित किया और भारतीय मूल निवासी समाज को टुकड़ों में बांटा और गुलाम बनाया। लेकिन साहब कांशीराम जी ने वहां पर ये डिक्लेयर किया था कि मैं इस कास्टिज्म को अब अपने हिसाब से इस्तेमाल करके अपने समाज का पुनर्निर्माण करूंगा और बहुजन समाज बनाऊंगा, अपने समाज का बल तैयार करूंगा। और उसके बाद जो गुरु गोविंद सिंह साहब जी ने कहा था कि उन्होंने ये कहा था कि भाई जो राज है वो अपने बल के बिना राज नहीं आ सकता और राज के बिना कोई भी धर्म नहीं चल सकता। तो वहां से सीख लेते हुए साहब कांशीराम जी ने कहा था कि हम अपने बहुजन का बल बनाएंगे और अपना राज ले आएंगे। तो उन्होंने मतलब एक राज का सपना क्यों लिया, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस विचारधारा का राज है वो ही पूरे देश को उथल पुथल करने में सफल होता जा रहा है, और जिनके हाथ में राज नहीं है उनको मलियामेट करने के लिए वही विचारधारा काबज हो जाती है। और इससे हम अपने इतिहास से लेकर आज तक अलग अलग विचारधाराओं का जो हमारे सामने प्रभाव रहा है उस प्रभाव को हम बड़ी अच्छी तरह से महसूस करते भी रहे हैं और कर भी रहे हैं। जो हम अभी सहकारी ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो दे रहे हैं, हम 70 साल से लेकर और हम 18-20 साल तक के भी हैं, तो हमने अपने जिंदगी में जो कुछ प्रभाव देखे हैं ऐसे ही प्रभाव हमारे महापुरुषों ने भी सहन किए और उन्होंने भी प्रताड़नाएं भी झेली और उन्होंने अपने समाज के भलाई के लिए संघर्ष भी लड़े और अपनी जान भी निछावर की, अपने परिवार भी निछावर किए। और जिनकी ताजा एग्जाम्पल हमारे सामने 20वीं सदी की बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की भी है कि वो इतने बड़े विद्वान होते हुए भी अपने बच्चों को निछावर करना उन्होंने जो है प्रेफर किया और अपने बच्चों की वजह से अपना मिशन छोड़ना प्रेफर नहीं किया। और इसी तरह से गुरु गोविंद सिंह साहब जी ने, अगर हम उनको मतलब एक धर्म से ना बांध के रखें, मानवता से बांध कर रखें, क्योंकि मानवता की विचारधारा है ये, मानस की जात सब एक है पहचान, वो एक मानव की मनुष्य की विचारधारा है, मनुष्य को मनुष्य बनाने की विचारधारा है। अदरवाइज तो इस विचारधारा का टकराव ही नहीं था। इस विचारधारा का टकराव इस तभी पैदा हुआ कि जब उन्होंने गुरु नानक साहब से शुरू होकर कहा कि भाई मैं तो उनके साथ हूँ जिनको इस समाज में आप लोगों ने नीच माना, नीच से भी नीच माना, अतनीच माना, मैं तो उनके साथ खड़ा हूँ, मैं तो उनका साथी हूँ। तो मतलब जब उन्होंने उनका साथी बनकर अपलिफ्ट करने की विचारधारा चलाई कि भी हम सभी एक ही मानव है, एक ही खून से बने हैं, तो तभी उनका विरोध इस विचारधारा ने शुरू किया जो हमारी सबकी दुश्मन विचारधारा है, मनुवाद कह लीजिए उसको, जुरेशियनवाद कह लीजिए उसको, हिंदूवाद कह लीजिए, जो भी नाम ले लीजिए उसको, वैदिक संस्कृति कह लीजिए। और ये विचारधारा आज भी हमारे घरों में घुसकर हमला करने की हमेशा कोशिश करती रहती है, हमें इससे चौकस रहना होगा। और दूसरी बात आती है कि नॉन पॉलिटिकल और नॉन रिलीजियस की, तो सब मतलब अगर हमने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का नाम अपने मतलब स्मृति में भी लाना है, बोलना तो लग गया, अगर हमने अपने विचार में भी लाना है तो भी बाबा साहब की पूरी जिंदगी जो है पॉलिटिकल फोर्सेस से लड़ने के लिए, जिन उन फोर्सेस ने जिन्होंने गुलाम बनाया या दोबारा इस देश पे काबिज होकर हमें दोबारा से गुलाम बनाने के लिए तत्पर थी कि अंग्रेज चले जाएं और हम फिर से दोबारा से एनफोर्स कर सके अपनी, उसको बाबा साहब ने उसको पिछाड़ा, उस विचारधारा को पिछाड़ा, तभी हमें उन्होंने फंडामेंटल राइट्स दिए हैं।
और उसी से बचाने के लिए उन्हें हमें वोट का अधिकार दिया है। तो और इसी को देखते हुए साहब कांशीराम जी ने भी ये कई उनके भाषणों में, कई उनके जनसभाओं में ये पूरी प्रताड़ना की थी कि भाई हमें मनुवाद से बचकर रहना है, ये एक नींबू है जो हमारे पूरे समाज रूपी दूध के कड़ाहे को फाड़ सकता है, फाड़ देगा। आखिर में वही कामयाबी उस नींबू को मिली कि वो भले ही किसी भी रूप में पेनिट्रेट किया तो उसने हमारे समाज के मिशन को, बाबा साहब के मिशन को, साहब कांशीराम जी के मिशन को पिछाड़ दिया। और उसमें हमारे नेताओं की कमियां रही, कोई दो राय नहीं, मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है कि उनके स्वार्थ भारू हो गए मिशन के ऊपर, इसलिए मनुवाद का सहारा लेकर उन्होंने जो है अपने मिशन को तबाह करने में रोल निभाया है। क्योंकि साहब कांशीराम हमेशा कहते थे कि सरकार बनाना मेरा मिशन नहीं है, समाज का निर्माण करना मेरा मिशन है, क्योंकि अगर समाज जागृत होगा तो जागृत नेता पैदा कर पाएगा, अगर समाज बिकाऊ रहा, अगर समाज पछड़ा रहा तो वो ऐसे नेता पैदा होंगे जो हमेशा बिकते रहेंगे। और साहब कांशीराम जी की ये बात हमेशा सच रही है कि हमारे नेताओं ने हमें धोखा इसलिए दिया क्योंकि हम उनको मजबूर नहीं कर पाए कि आप संवैधानिक तौर पर हमारे रिप्रेजेंटेटिव हो और हमारे लिए आप लड़ो। आज ही अभी की ही आप बात देख लीजिए पिछले 6 महीने की, कि अगर जो फार्मर्स के अगेंस्ट कानून पास हुए, हमारे अकाली दल के लोग उस सरकार में सहमत थे, मंत्री थे, उन्होंने सहमति दी, लेकिन पंजाब के जो लोग हैं उन्होंने उसको एहसास करवा दिया कि हम आपको अपने गांवों में वापस नहीं आने देंगे, घरों में नहीं घुसने देंगे, आपने गद्दारी की है, तो उनको मजबूर कर दिया साहब कि वो सरकार से भी अलग हुए और गठबंधन से भी अलग हुए। तो ये सोच हम SC ST OBC लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव के प्रति भी हम अपने आप में ये जोश जगाएं, पूरे होश से उनको हम मजबूर करें कि आप SC ST के लिए चुन के गए हो, आप SC ST के लिए और बहुजन समाज के अधिकारों के लिए लड़िए, नहीं तो हम आपको दोबारा आपके घर में नहीं घुसने देंगे, वापस समाज में वोट मांगने नहीं आने देंगे। सर पॉलिटिकली हमको सेफ गार्ड करना है तो हमें भी इतना जागृत होना पड़ेगा कि अपने बजाय हम ये कहें, कि जी वोट राज या पूना पैक्ट के द्वारा दल्ले पैदा हो रहे हैं, बाबा साहब ने बिल्कुल सही कहा था, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ वोटर्स दूसरे लोगों की है, रिजर्व कम्युनिटी की कम होती है, इसलिए वो झुक के रहते हैं कि हमें दूसरे लोगों ने भी चुना। लेकिन डबल वोट का अधिकार उस समय नहीं मिल पाया साहब, कामयाब नहीं हो पाए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, और दोबारा कामयाब होने का माहौल आज की सरकार में हो भी नहीं सकता। लेकिन बात यही है कि बाबा साहब ने आखिरकार वोट का राज तो लेके दिया ना, तो हमें उस वोट के राज का मतलब अपोज नहीं करना चाहिए। अगर हम SC ST का भला चाहते हैं, OBC का भला चाहते हैं, बहुजन समाज का भला चाहते हैं, जो बहुजन समाज का सपना साहब कांशीराम जी ने लिया था, तो हमें अगर हमारे ये अधिकार ही नहीं रहेंगे, हमारा आरक्षण ही नहीं रहेगा, हमारा वोट राज ही नहीं रहेगा, तो फिर तो हम बिल्कुल ही मतलब एक जानवर बन के रह जाएंगे, कोई हमारे पास वोट मांगने भी नहीं आएगा, कोई हमें अपने दरवाजे पे खड़े होने भी नहीं देगा। हाँ मतलब हमें अपने आप को जागृत करके ये जरूर तय करना होगा कि जो हमारी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव चुन के जाते हैं रिजर्व सीटों से, तो हमें उनको मजबूर करना होगा कि भाई आप वहां पर हमारे लिए बैठे हो, हमारे संविधान के अधिकारों की रक्षा करने के लिए आप बोलिए, लड़िए, और सड़कों पे हम लड़ेंगे तो पार्लियामेंट में आप लड़िए, तो तभी हम जो है एक अपने इन संविधान के अधिकारों को बचा पाएंगे। संविधान का अधिकार नहीं बचा पाए तो हमारे ये सारे मिशन तहस नहस होकर रह जाएंगे। तो ये पैरेलल हमें एफर्ट्स जारी रखना होगा, और मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा जो मेरी समझ में आया, तो अच्छा लगा या बुरा लगा वो आप लोग इस पे मंथन जरूर करें। तो मैं सबको ये एक ओपन इनविटेशन देता हूँ कि हमेशा किसी एक व्यक्ति के विचार सही नहीं हो सकते, मेरे गलत भी हो सकते हैं। तो धन्यवाद, इसी के साथ मैं आप सभी का जो है सम्मान सहित धन्यवाद इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोगों ने मुझे विचार रखने का एक मौका दिया, और ज्यादा इम्प्रूव करेंगे अगर कोई इसमें कमी नजर आ रही है, आएंगी बिल्कुल कमियां होंगी, कोई आदमी संपूर्ण नहीं होता, तो हम और इम्प्रूव करेंगे। जो संपूर्ण मान लेता है वो इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकता अपने आप में या समाज में। जय भीम, जय भारत, जय कांशीराम, वापसी सुन लिया। यस सर,
सर आज बहुत ही क्रिएटिव और आउटपुट देने वाला डिस्कशन रहा। मैं आभार व्यक्त करता हूँ नाहर सिंह सर का, और उसके बाद हमारे मार्गदर्शक पीआर सर, इन्होंने ये सब्जेक्ट को सबके सब हम समझ ऐसा इलोबरेशन किया, और जिन्होंने भी सवाल पूछे वो सवाल क्रिएटिव थे, और वो सवालों के कारण जो जवाब या जो रिप्लाई मिला उससे बहुत सारी कंफ्यूजन, बहुत सारी चीजें एक क्लियरिटी में बदल गई है, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और सबसे लास्ट जो कंक्लूजन रहा गुरुदर्शन सिंह सर का, वो बहुत ही अच्छा ब्रीफ और बहुत भी वी आर गोइंग फॉर परफेक्शन और मैच्योरिंग की तरफ जा रहे हैं ऐसा लगता है, और हमें पता भी नहीं चला कि समय कैसे चला 10:15 सरकारियों। और आपकी ये जो क्यूरियोसिटी है ये जानने की, वो बहुत बेहतरीन है, और सभी का शुक्रगुजार करते हुए आज का ये सेशन हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू। जय भीम जय भारत। धन्यवाद। जय भीम जय भारत टू ऑल सरकारियों।